सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल पे से पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। अब वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें या फिर किसी और के मोबाइल नंबर पर आप भेजना चाहें तो वो आप कैसे कर पाएंगे, कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, सारा ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चल के आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सुबह जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद मैंने जो गूगल पे है वो यहाँ से ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक करना होगा अपने गूगल पे अकाउंट से। तो वो लिंक आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा कॉर्नर में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपका यहाँ पे ऐड नहीं है तो आपको यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे। आपका जिस बैंक में भी बैंक अकाउंट है उसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं होगी। उसके बाद अब आपको बैंक आ जाना है। अब आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, न्यू पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं आप, उसके बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ट्रांसफर मनी, बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर। अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है बैंक ट्रांसफर पर, और अगर आप किसी और के मोबाइल नंबर पे पैसे भेजना चाहते हैं तो आपको दूसरे पर क्लिक कर देना है। अब बैंक ट्रांसफर कैसे करेंगे आप मैं बता देता हूँ। आपको बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करना है, उसके बाद सबसे पहले तो आपको अकाउंट नंबर डालना है जिसमें भी आप पैसे डालना चाहते हैं, उसके बाद उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा यहाँ पर रीएंटर करना है, उसके बाद जिस भी अकाउंट में आप डालना चाहते हो उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है, और रिसिपिएंट नेम मतलब आपको जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है वो यहाँ पे डाल देना है जिसमें भी आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप कितने पैसे भेजना चाहते हैं, उसके बाद आप पैसे जैसे लिख दोगे उसके बाद वहाँ से जो आपका पैसा है वो सेंड हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ोन नंबर पर कैसे भेज सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डायल करना है। फ़ोन नंबर डायल करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे पैसे सेलेक्ट करने कि कितने पैसे आपको वहाँ पे डाल लें, और उसके बाद आपको सेंड कर देना है, आपके पैसे डायरेक्टली सेंड हो जाएंगे। सो भाई उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आप पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं गूगल पे अकाउंट से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको लाते तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।